लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपके न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग हम सिलेबस कर रहे हैं। मेरे पास 7th क्लास की न्यू एडिशन की बुक आ चुकी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सिलेबस करा रही हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम आज सीखेंगे इंटीजर्स का डिवीजन कैसे किया जाता है और उसके लिए क्या रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो मैं हेडिंग डाल रही हूँ एक्सरसाइज 1.3 और इसका जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब है वैल्यू फाइंड आउट करिए और मैं इसके पार्ट्स ले रही हूँ और आपको समझाना ये है कि डिवीजन तो आप सबको करना आता है लेकिन इंटीजर्स का डिवीजन कैसे किया जाता है वो आज हम पहली बार यहाँ पर सीख रहे हैं। तो सबसे पहले डिवीजन करते वक्त, इंटीजर्स का डिवीजन करते वक्त आपको सिर्फ साइंस को अभी इग्नोर कर देना है और नंबर को नंबर से नॉर्मली डिवाइड करना है जैसे करते आ रहे हैं आप अब तक। 10, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे। जब आप 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आई होप सबका आंसर 3 आएगा। 10 3 30 होता है। और अगर इसमें आपको दिक्कत है तो मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देती हूँ कि 10 3 30 होता है इस तरह से। नॉर्मली हमने लॉन्ग डिवीजन किया है जो हम करते हैं तो हमारा जो आंसर आया वो आया 3, राइट। अब बात आती है साइन की। जो साइंस के लिए जो इंटीजर्स का लॉ हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकालते वक्त यूज किया था या फॉलो किया था वही सेम रूल्स हमारे डिवीजन में फॉलो होने वाले हैं। क्या देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर चेक करिए कि आपको नेगेटिव साइंस कितने नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पर एक ही नेगेटिव साइन है और एक है, एक का मतलब ये ऑड है। 1 3 5 7 9 ये नंबर्स हमारे लिए ऑड होते हैं। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ माइनस के साइन है, डिवीजन या मल्टीप्लाई करते वक्त ऑड नंबर ऑफ माइनस के साइन हो तो हमारे आंसर में, यानी कि क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में नेगेटिव का साइन आएगा। तो ये था रूल हमारा नेगेटिव साइन लगाने का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट हमें क्या नया कॉन्सेप्ट दे रहा है, इसमें एक नई बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ऊपर और नीचे में। यहाँ पर बात देखने वाली, फोकस करने वाली ये है कि माइनस चाहे डिवाइजर में हो या डिविडेंड पे हो, उससे हमारे रूल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या देखा कि अभी यहाँ पर डिविडेंड में माइनस दिखाई दे रहा है, यानी कि अंदर वाला जिसे हम डिविडेंड कहते हैं वहां पे माइनस का साइन है, लेकिन अब माइनस का साइन डिवाइजर के साथ है। लेकिन ये हमारे रूल्स पे कुछ भी फर्क नहीं डालेगा। आपने इस चीज को इग्नोर करना है कि माइनस का साइन डिविडेंड के साथ है या डिवाइजर के साथ, इट डजंट मैटर, ठीक है। आपने सिंपली डिवाइड करना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। आप 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड मेंटली किया जा सकता है। 5 10 50 होता है, 10 आंसर आएगा। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप लॉग इन डिवीजन करके देख सकते हैं। अब आपने काउंट करने कितने माइनस के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 and only 1 साइन आपको माइनस का दिखाई दे रहा होगा और 1 क्या होता है, ऑड। अगर ऑड है तो आंसर में हमारे क्वेश्चन में माइनस आएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको इस चीज को भी इग्नोर करना है कि माइनस का साइन डिवाइजर के साथ है या डिविडेंड के साथ, इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हमारा थर्ड पार्ट हमें क्या नई बात सिखाने वाला है, -36 / -9। अब हमारा थर्ड पार्ट हमें ये बता रहा है कि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही नेगेटिव हैं। फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल जाइए, आप नॉर्मली डिवाइड करिए। 9 को 36 से जब आप नॉर्मली लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो 4 आएगा। 9 4 36 होता है। आपने वही रूल फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। आप माइनस के साइन काउंट करिए आपको कितने साइन नजर आ रहे हैं, 1 and 2।
एंड टू इज एन इवन नंबर. दो चार छः आठ दस बारह ये सब हमारे इवन नंबर्स होते हैं. अगर हमें नेगेटिव के साइंस इवन दिखाई देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है जो आंसर है वो पॉजिटिव रहेगा. और प्लस का साइन आप लगाइए चाहे ना लगाइए, आप ऐसे ही लिखिए फोर या प्लस फोर लिखिए, दोनों ही तरीकों में आपका आंसर करेक्ट रहेगा. चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ. हमारा फोर्थ पार्ट बहुत ही सिंपल है, ये सबसे सिंपल है. यहाँ पर दिखाया ये गया है कि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना है. देखिए जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना हो तो क्वेश्चन इज ऑलवेज वन. क्वेश्चन हमेशा हमारा वन रहता है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मेंटली हो गया है. एक ही नेगेटिव का साइन है, एक ऑड होता है इसलिए माइनस आएगा, खत्म. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. हमारा फिफ्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अब बड़ा हो गया है लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एक रूल है जिसको हम फॉलो करेंगे और वो रूल मैंने आपको सिखाया भी हुआ है और छोटी क्लासेस में आपने सीखा भी हुआ है. देखिए ये डिवीजन का ही क्वेश्चन है बट यहाँ पर एक ब्रैकेट नजर आ रहा है, स्क्वेयर ब्रैकेट. दिस इज कॉल्ड स्क्वेयर ब्रैकेट एंड दिस इज कॉल्ड राउंड ब्रैकेट. स्क्वेयर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना जरूरी है. हमारा बोर्ड मास रूल हमें ये सिखाता है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए, देन आप अगले स्टेप यानी कि डिवाइड पर आएंगे. तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करना है. आप इस ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस माइनस करते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, माइनस प्लस माइनस करते हैं हमेशा. टू में से वन गया वन, आप बेशक राउंड ब्रैकेट पे आ जाइए क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है. ये टू में से वन गया वन, साइन ग्रेटर नंबर का आता है तो ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, राइट. अब आप किसी भी नंबर को जब वन से डिवाइड करते हैं, एक बात और हम सीखने को हमें यहाँ मिल रही है कि किसी भी नंबर को जब हम वन से डिवाइड करते हैं तो वापस से हमें वही नंबर मिलता है और एक ही माइनस है तो ऑड होता है आंसर माइनस में आएगा. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट. चलते हैं सिक्स पार्ट की तरफ. हमारा सिक्स पार्ट हमें क्या सिखा रहा है, ये भी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ है, जीरो डिवाइडेड बाय माइनस 12. इसमें जो नई बात सीखने वाली है वो क्या, अगर हमारा डिविडेंड जीरो हो तो क्वेश्चन हमेशा जीरो रहता है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. किसी भी नंबर से जब जीरो को डिवाइड किया जाता है, मेरी बात फिर से सुनिए, किसी भी नंबर को जब किसी भी नंबर से जब जीरो को डिवाइड किया जाता है तो क्वेश्चन हमेशा हमारा जीरो ही रहता है. और साइन लगाना भी आपको यहाँ पर जरूरी नहीं है क्योंकि साइन जीरो के साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता है, इसलिए कोई भी साइन दिया हो उसको आपने इग्नोर कर देना है. एक बात और समझने वाली है कि इस क्वेश्चन में हमारा ये डिविडेंड था, ये जीरो था इसलिए आंसर जीरो हुआ. लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करा रही हूँ कि कई बार ऐसा हो 5 डिवाइडेड बाय 0 आ जाए, यानी कि डिवाइजर जीरो दिया हो, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, यानी कि पीछे वाला जीरो दिया हो और आगे वाला जीरो ना हो, हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब इस केस में आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसका आंसर जीरो नहीं लिख सकते. इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा जो डिवाइजर है वो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता. जब वो जीरो हो ही नहीं सकता तो आंसर निकल नहीं सकता, तो नॉट डिफाइंड. आगे वाला यानी कि डिवाइजर जो डिविडेंड है वो जीरो हो सकता है पर जो डिवाइजर है वो जीरो कभी भी नहीं होगा. अगर आपको ऐसा केस दे दिया जाए तो आप उसका आंसर नॉट डिफाइंड लिख के आएंगे, आप उसको सॉल्व करने के लिए नहीं बैठेंगे. तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. इसी का आई थिंक सेकेंड लास्ट पार्ट है और हम ले रहे हैं इसका थर्ड लास्ट पार्ट है. माइनस 31 डिवाइडेड बाय माइनस 30 प्लस माइनस 1. देखिए पहले बोर्ड मास रूल हमें ये कहता है कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ये ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है.
प्लस माइनस कंबाइन होकर हमेशा माइनस बनाते हैं, सिक्स क्लास में बताया गया था। एक जैसे साइन हो तो हमेशा प्लस होता है, तो 30 में 1 ऐड करेंगे 31, साइन ग्रेटर नंबर का आएगा। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 आता है, दो नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इक्वेशन हुआ खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, इसमें अब ब्रैकेट आगे है तो हम पहले आगे वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट चाहे पीछे हो चाहे आगे हो, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाता है। 12 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और एक ही नेगेटिव का साइन है तो वो माइनस आएगा और डिवाइडेड बाय 3। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आता है 1 और एक ही नेगेटिव साइन है, ऑड है तो आंसर माइनस। खत्म। और आखिरी पार्ट हमारा रह गया है, उसको भी हम ले लेते हैं ताकि सारे हर तरीके का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर नई बात क्या है, यहाँ पर हमें दो दो ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं तो हमें दोनों ही ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। हमें आगे वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करना है और पीछे वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करना है। जब प्रॉपर ब्रैकेट सॉल्व हो गए, प्रॉपर नंबर बाहर आएगा तब हम डिवाइड करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 किया 1, साइन बड़े नंबर का आता है, 6 क्लास में बताया गया था। माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 किया 1, साइन बड़े नंबर का आता है। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आता है 1, दो नेगेटिव साइन है, इवन है, आंसर प्लस। तो ये हमारा आंसर आ गया है प्लस 1। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। हर तरीके का क्वेश्चन हमने इस क्लास में ले लिया है, सभी के सभी डिवीजन से रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय फ्रेंड्स।